तो बच्चों जेई मेन में बच्चों ये क्वेश्चन आया है, इफ़ ईएमएफ ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस इज जीरो इन प्योर वाटर, देन प्रेशर ऑफ H2 इन बार इज। तो बच्चों क्या होता है कि जो ईएमएफ के लिए आपको क्या यूज़ करना होगा, नस्ट इक्वेशन, ठीक है ना। नस्ट इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, क्या होता है बच्चों, क्यू होता है, ठीक है ना। अब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को आप कैसे लिखोगे, H2 गोज़ टू 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप चाहो तो हाफ H2 भी लिख सकते हो बच्चों, है ना। तो इसका जो रिएक्शन कोशेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। तो स्क्वायर अपॉन, अब ये गैस है ना, तो गैस का क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। अब पावर 1 रहेगा क्योंकि कोफिशियंट क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट सेल क्या होता है बच्चों, ई नॉट सेल जो होता है वो तो 0 होता है ना। और कह रहे हैं कि इसका ई सेल भी 0 होगा, है ना, ई सेल भी हम 0 कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ से देखो अगर आप नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल लिखेंगे माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू लिखेंगे, है ना। ये भी 0 कर देना है, ये भी 0 कर देना है, दोनों 0 कर देना है, क्योंकि स्टैंडर्ड SHE क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 हो जाता है, ठीक है। तो जब लेफ्ट साइड सारा 0 हो गया तो राइट में क्या आएगा, राइट वाला भी क्वांटिटी 0 आएगी, यानी कि जो लॉग क्यू हो जाएगा वो 0 आ जाएगा, यानी कि क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 10 के पावर 0, 10 के पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों, H+ का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, है ना, ये वैल्यू 1 है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना है बच्चों, बोलो, H+ का स्क्वायर है। अब वाटर के अंदर है ना, प्योर वाटर बोला है ना, यहाँ देखो प्योर वाटर बोला है, तो प्योर वाटर में H+ कितना होता है, 10 के पावर माइनस 7, तो ये 10^-14 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये एक बहुत ही बेसिक